यहोशू अध्याय 16, यहोशू अध्याय 16। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनका सिवाना यरीहो के पास की यर्दन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंचा। वहां से वह लूज तक पहुंचा और एरेकियों के सिवान ने होते हुए अतारोत पर जा निकला और पश्चिम की ओर यपलेतियों के सिवान से उतरकर फिर नीचे वाले बेथोरोन के सिवाने से होकर गीजर को पहुंचा और समुद्र पर निकला। तब मनश्शे और अप्रेम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। अप्रेमियों का सिवाना उनके कुलों के अनुसार यह ठहरा, अर्थात उनके भाग का सिवाना पूर्व से आरंभ होकर अद्रोतदार से होते हुए ऊपर वाले बेथोरोम तक पहुंचा और उत्तरी सिवाना पश्चिम की ओर से मिकमतात से होकर आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तानत शिलों को पहुंचा और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुंचा। फिर यानोह से वह अता रोत और नारा को उतरता हुआ यरीहो के पास को होकर यर्दन पर निकला। फिर वही सिवाना तप्पूह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकला। एप्रेमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनश्शेइयों के भाग के बीच में भी कई एक नगर अपने अपने गांव समेत एप्रेमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रेमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं।